हाँ तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मेरे पास में है ये काफी यूजफुल प्रोडक्ट जो कि है भाई एक डिजिटल टेबलेट। भाई मैंने इसको बाय किया है ओनली फॉर 99 रुपीस में। वैसे जिसका एक्चुअल प्राइस है वो है 350 से लेके 400 रुपए, लेकिन भाई मैंने इसको बाय किया है ओनली फॉर 99 रुपीस में। अब आप बोलोगे भाई ये आपने कैसे करा, तो भाई टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको भी लिंक दिया था और मैंने खुद ने भी उस लिंक से ही लूटा था। तो भाई अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो ना भाई, तो आपको काफी सारे प्रॉफिट होने वाले हैं। ये जो प्रोडक्ट था वो मैंने मेरे यूज के लिए मंगाया था, बाकी जो प्राइस थी वो भी काफी कम थी, इसलिए मैंने इसको मंगाया था। क्योंकि 99 में भाई आजकल कुछ भी नहीं आता। 99 वाली शॉप पे आप जाओगे ना, तो वहां पर भी जो सामान होंगे ना, वो तो आपको 299 वाला मिलेगा, 99 वाला नहीं मिलेगा। तो भाई ये मुझे 99 का मिला है और भाई इतना काम आया ना मेरे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाते हैं यार भाई, आप सब लोगों को बताते हैं कि भाई ये एक छोटी सी चीज है ना, वो भाई कितना काम कर सकती है, कितना मतलब कितना यूजफुल है। और भाई अगर आप मुझसे ही लेना चाह रहे हो ना, भाई गिवे भी रखेंगे, इसका जितना प्राइस है उतने लाइक इस वीडियो पर कर दीजिएगा। आपको ये जो प्रोडक्ट है ना, वो भाई मैं गिवे करूंगा और आपको भाई एक बंदे को किसी ना किसी को ये मिल जाएगा। बस आपको कमेंट करना है और एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसका जितना प्राइस 99 उतने लाइक हो जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट आखिर कैसा है। देखो भाई, एक डिजिटल टेबलेट आप इसको बोल सकते हो जो कि भाई काफी यूजफुल होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। मैं इसको पहले अनबॉक्स करता हूँ और अनबॉक्स करने के बाद में जब आप इसकी शक्ल देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये क्या चीज है। तो इसको अब देखो, आप 99 में देखो इसका जो मतलब जो पैकेजिंग है वो कितना बढ़िया है। वैसे जो इसका एक्चुअल प्राइस है ना भाई, वो 300 रुपए समथिंग है, लेकिन ये क्या है ना कि मैंने ऑफर में मंगाया था, यानी कि कुछ डील्स वगैरह होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, जो डील्स वगैरह होती है उसमें मुझे 99 का मिला था, यानी कि 100 रुपए का मिला था। लेकिन भाई जो 100 रुपए है वो मेरे पूरे वसूल है, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं भाई काफी नेक्स्ट लेवल मिलती है। तो भाई ये देखो, ये है डिजिटल टेबलेट। भाई आपको शक्ल से देखने के बाद में अच्छे से पता चलेगा होगा कि भाई ये एक्चुअल चीज क्या है। देखो भाई, यहां पर अगर सबसे पहले बिल्ड की बात करते हैं ना भाई, सामने आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट ये ब्लैक डिस्प्ले सामने देखने मिलेगा, एंड पीछे आपको पूरा प्लास्टिक मिलेगा। यहाँ पर देखो कलर आपको ब्लू देखने मिल रहा है, लेकिन भाई मल्टीपल कलर चॉइस है, जो आपको पसंद आ रहा हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा हो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बाकी भाई यहाँ पर देखो, एक डिलीट का बटन आपको देखने मिलेगा, नीचे आपको एक ऑन ऑफ का बटन देखने मिलेगा। यहाँ पर इसमें एक बैटरी भी लगती है, यानी कि एक सेल भी लगता है, उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा। बाकी भाई ऊपर एक पेंसिल भी आपको देखने मिलेगी, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है ना भाई, तो यहाँ पर लिखने के लिए आपको पेंसिल भी देखने मिलेगी। अब बटन वगैरह, ये बटन किस काम का है, ये बटन किस काम का है, सारा कुछ आपको बताऊंगा। बाकी ऑल ओवर इसका जो बिल्ड है ना भाई, वो मुझे काफी बढ़िया लगा, काफी शानदार लगा। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट इसकी पेंसिल की। तो भाई यहाँ पर हमको एक पेंसिल मिल जाती है, इसको पेंसिल को सही संभाल कर रखने के लिए यहाँ पर एक सेक्शन आपको मिल जाता है, जिसमें कि आपको वापस से पेंसिल को डाल लेना है। तो ये पेंसिल है भाई, बढ़िया पेंसिल आपको देखने मिल जाती है। वो देखो हाईटेक प्रोडक्ट नहीं है इसमें, ये जो प्रोडक्ट है ना वो बिल्कुल एक मिनिमम प्राइस वाला है। इसमें आपको बहुत से ब्रांड कंपनी जो बनाती है, ब्रांडेड, जैसे कि MI हो गया, पोट्रोनिक्स हो गया, ये सभी ये चीज बनाते हैं। वहां पर आपको अगर एक अच्छा ब्रांड का चाहिए तो वो भी आपको देखने मिल जाएगा। बाकी यहां से आप ऐसा पता कर सकते हैं कि भाई ये हमारे लिए सच में यूजफुल होगा भी सही या नहीं। तो भाई देखो यहां पर ये पेंसिल है, और यहां पर आपको करना क्या है भाई, जो भी आपको ड्रॉ करना है वो आप यहां पर ड्रॉ कर पाओगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल ईजी है, यहां पर आपको जो भी ड्रॉ करना है आप यहां पर ड्रॉ कर पाओगे। डिलीट करना है आप यहां से इसको डिलीट कर सकते हो। लेकिन आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर हम इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं। देखो भाई सबसे बड़ा जो यूज है ना, वो है जो बंदे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बंदे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कि पेपर तैयारी करना है पेपर की, उनके लिए भाई काफी यूजफुल है। अब मैं बताता हूं कैसे। मान लो कि आपको SSC का एग्जाम देना है, कोई सा भी एग्जाम देना है SSC का, तो वहां पर आपको अपना जो मैथ है वो आपको स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ वगैरह के क्वेश्चन वगैरह होने चाहिए, चाहे मान लो कि आप रीजनिंग वगैरह भी आपको आना चाहिए। मान लो कि मुझे कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें रफ काम होता है, मान लो कि 2 और 2 कितने होते हैं, वो 4 होते हैं, वो तो हमको खुद से पता चल जाता है। लेकिन मान लो कि मैं आपको बोलूं 69 और 29 कितने होंगे, तो भाई आप कैसे जोड़ोगे। उसके लिए ये जो चीज है ना वो काफी बढ़िया रहेगी। मान लो कि आप कॉपी में कर सकते हो, जो नोटबुक आपके पास में उसमें आप कर सकते हो, लेकिन भाई कितने करोगे, बढ़ते 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 आपकी नोटबुक आपके रफ काम से ही बढ़ जाएगी। तो वो एक बड़ा चैलेंज है। बाकी अगर आप इसमें करते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला था भाई 69 और 29 कितने होते हैं, तो यहां पर आप जोड़ सकते हो। वहां पर कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन रफ काम की वजह आपको यहां पर करने के लिए मिलेगा। जो आपने कर लिया, जो भी आंसर आया वो आपने लिख दिया और बाकी यहां से वापस इसको डिलीट कर दिया। तो ये एक यूजफुल चीज है ना भाई, कि आप इसमें रखो। मान लो कि आप रूम पे रह रहे हो, मैं खुद भी भाई प्रिपरेशन कर चुका हूं तो मुझे पता है। मान लो आप रूम पे रह रहे हो और आपने पढ़ाई वगैरह कर ली दिन की, अब शाम को खाना बनाना है, क्योंकि वो सबको बनाना पड़ता है, जो रूम पे रहते हैं उनको सबको खाना बनाना पड़ता है। तो यहां पर भाई जो भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेलन का आयतन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बहुत सारे जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं, तो आप कंप्लीटली इस फॉर्मूले को इसमें टाइप कीजिए। जो भी आपको टाइप करना है इसमें आप टाइप कीजिए, और जहां पर आप खाना बना रहे हैं वहां पर इसको रखिए, वहीं पर आप जो भी अपना याद करना है वो
आप याद कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट के लिए काफी भाई यूजफुल है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो उनके लिए अगर आप भाई लेना चाहो डेफिनेटली भाई आप बाय करो, क्योंकि आपको एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने मिलेगा। और वो बोलते हैं ना कि भाई हम जो बुक होती है नोटबुक होती है उससे तो काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं, कुछ नया मिलेगा तो ज्यादा पढ़ने का मन करेगा, तो वो भी एक अच्छी चीज है। सेकंड भाई छोटे बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहो ना, छोटे बच्चों को जो घर में नर्सरी वगैरह में पढ़ते हैं उनके लिए भाई काफी यूजफुल है, जिनको पढ़ाई में जोर आता ना पढ़ने में उनके लिए काफी यूजफुल है। क्योंकि उनको जब आप स्लेट देते हो, जो स्लेट हमारे पहले चलती थी एक वो चौक दे देते हमको उससे हम लिखते थे, तो बंदे जो बच्चे है ना वो लिखते कम है और चौक ज्यादा खाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है ना कि ये चीज काफी बढ़िया रहेगी, क्योंकि वो स्लेट पे रोज लिखते हैं, वो उस चौक से रोज लिखते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज उनको दोगे ना तो वो थोड़ा मन लगा के, क्योंकि उनके लिए जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है, तो उसमें ये अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। अब यहाँ पर जो भी आपको इक्वेशन देनी है, जैसे कि मान लो 6 और 6 कितने होते हैं, छोटे बच्चे को आप दोगे तो यहाँ से आप कुछ भी उसको इक्वेशन दे सकते हो, कुछ जोड़ बाकी वगैरह वो कर सकता है, तो ये काफी बेस्ट उनके लिए भी रहेगा। और बाकी आपको बार बार थूक लगा के मिटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद को पता है जब हम छोटे थे तो वही ऐसे मिटाते थे, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर डिलीट का बटन है, वापस आप जो भी इक्वेशन करी हो करने के बाद में डिलीट का बटन दबा दो, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ये एक छोटे बच्चों के लिए भी काफी एक यूजफुल प्रोडक्ट है, और मेरे जैसे क्रिएटर के लिए भी भाई काफी यूजफुल है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग वगैरह या कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि मेन टॉपिक हो जो कि मुझे कवर करना है वो मैं लिख के यहाँ पर रख सकता हूँ, जिससे कि भाई मैं यहाँ पर भूलूंगा नहीं और अच्छे से जो भी वीडियो है मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। और भाई आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि मान लो कि यहाँ पर मुझे कोई भी फॉर्मूला वगैरह लिखना है, तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, आपको बिल्कुल सही सही लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने 5 लाइन लिख दी और एक फॉर्मूले में आपने गलती कर दी। अगर आप गलती करते हो ना तो यहाँ पर मिटाने के चांसेस आपके पास में बिल्कुल भी नहीं है, आपको पूरा ही इसको क्लीन करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, पूरा ही क्लीन होगा अगर आप गलती करते हो तब, बाकी आपको पूरा सब कुछ सही लिखना है। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल ध्यान में रख के चीजें करोगे, क्योंकि आपको पता है पूरा मिटाना पड़ जाएगा, तो आप ध्यान में रख के चीजें करोगे। और बाकी अगर आप मान लो कि लिखना चाह रहे हो, लिख रहे हो, आपने लिख दिया और अब आप सोच रहे हो कि यार मिटना नहीं चाहिए मेरे पास में, ऐसे ही रहना चाहिए, तो भाई इसके लिए जो बटन है पीछे की तरफ वो दिया गया है, जिसमें कि आपको इसको लॉक कर देना है। लॉक कर दोगे ना तो आप डिलीट बटन कितना ही दबाओ ये डिलीट नहीं होगा, तो ये एक काफी अच्छा चीज यहां पर दी गई है। बाकी अब एक चीज आपके मन में फिर से चल रही होगी कि भाई इसका जो एक्चुअल जो पैनल है वो कैसा है, तो भाई यहां पर जैसे कि मैं इसमें कुछ भी लिख के बताता हूं आपको, तो देखो भाई मैंने ये लिखा तो आप खुद देख पाओगे भाई विजिबिलिटी कितनी अच्छी आपको देखने मिल रही है, भले ही 100 रुपए का है लेकिन भाई विजिबल आप अच्छे से इसमें कर पाओगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, कोई रेडियम वगैरह नहीं है, अगर आप नाइट में मान लो कि अंधेरे में बैठे हो और वहां पर आप लिख रहे हो तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें रेडियम नहीं है। अगर आप इसको उजाले में देखोगे तो भाई आपको अच्छे खासे अक्षर वगैरह वहां पर देखने मिलेंगे। बाकी जो पैनल है ना भाई वो काफी बढ़िया है, आप खुद से देख पाओगे भाई कितने बढ़िया लिखाई में आ रहा है, काफी बढ़िया है, ऐसे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मिटाना चाहो वापस से बटन से आप इसमें मिटा पाओगे, तो ये एक चीज है। बाकी प्रोडक्ट मुझे भाई काफी अच्छा लगा, काफी बढ़िया है, काफी यूजफुल प्रोडक्ट है, अगर आप लेना चाहो भाई डेफिनेटली बाय कर सकते हो, लिंक आपको मैं दे दूंगा वहां से ले सकते हो। बाकी भाई टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, जो भी डील्स वगैरह होगी वो सारा कुछ आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेगा। बाकी एक चीज मैं आपको इसमें बनाकर दिखाना चाहूंगा यार, जो कि भाई स्कूल टाइम में हम बनाते थे फ्री बैठते बैठते, वो भाई आपको मेरे हिसाब से अपने जो स्कूल है उसकी याद आपको दिलाने वाली है, क्योंकि भाई मैं भी बहुत दिनों बाद में यूज कर रहा हूं, तो हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेरे से बने, बाकी कोशिश करूंगा कि भाई ठीक यहां पर मेरे से बन जाए, क्योंकि भाई स्कूल में जब हम थे तो हम ये एक ही चीज बनाते थे, जो कि आप खुद भी बनाते होंगे मेरे हिसाब से, भाई गलती हो गई वापस से मिटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इसमें वो सिस्टम नहीं है कि भाई आप थोड़ा थोड़ा सा मिटा सको, क्योंकि इसमें आपको पूरा ही मिटाना पड़ेगा, तो ये चीज है। बाकी मैंने जो भी बनाया है भाई मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा और फटाफट से आपको बना के देता हूँ कि भाई हम स्कूल में अधिकतर चीजों में क्या बनाते थे। तो मे बी आपने भी भाई यही बनाया होगा अपने स्कूल टाइप में, तो भाई ये काफी चीजें याद, बिल्कुल स्कूल वाली याद दिलाती है ये वाली चीजें, तो भाई काफी बढ़िया है। बाकी प्रोडक्ट भाई मुझे काफी यूजफुल लगा, काफी बढ़िया लगा, अगर आप भी लेना चाहो लिंक दे दूंगा नीचे वहां से ले सकते हो। बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।